वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 15 जनवरी है। आज के करंट अफेयर्स में कुल 14 टॉपिक्स होंगे। आज का पहला टॉपिक है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के बारे में। फ्रेंड्स, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो पहला था, यह 12 से लेकर 13 जनवरी को समरकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी वहाँ पर हुआ था, हमने 12 तारीख के डिस्कशन में इसको कवर कर लिया है। भारत से भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वहाँ भाग लिया था। हमने यह भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल एशिया में कुल 5 कंट्रीज आते हैं, उनका नाम मैं फिर से बता देता हूँ। वे हैं तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो सेंट्रल एशिया की इन 5 कंट्रीज, भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो विशेष रूप से आमंत्रित थे, तो उनके बीच बातचीत हुई है ये 2 दिनों तक। बातचीत में जो आउटकम आया है, उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसमें अफगानिस्तान के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अफगानिस्तान को पता ना हो और अमेरिका तालिबान से अथवा पाकिस्तान के साथ मिलकर पीस प्रोसेस की बात करके आउटकम थोप दे अफगानिस्तान पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पीस प्रोसेस होगा, अफगानिस्तान लेड होगा, अफगानिस्तान ओन्ड होगा और अफगानिस्तान कंट्रोल होगा। ये 3 टर्म हैं, अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान ओन्ड एंड अफगानिस्तान कंट्रोल्ड, ये होना चाहिए। फिर सब ने कहा कि टेररिज्म जो दुनिया में अभी व्याप्त है, उसको एक साथ मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। ये तो सारे डिस्कशन में होता है, आउटकम आता है ऐसा। फिर इंडिया ने प्रपोज किया कि इंडिया सेंट्रल एशिया डेवलपमेंट ग्रुप बनाएंगे और ये ग्रुप क्या करेगी, जो भी डेवलपमेंट के काम होगी उसको देखभाल करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। ये प्रपोज किया इंडिया ने इसी डायलॉग में। फिर इस डायलॉग जो होना था, उसमें एक टॉपिक था कनेक्टिविटी पे भी, तो इंडिया ने काफ़ी फोकस किया है कनेक्टिविटी पे। इसमें इंडिया ने बताया है कि कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बिना कनेक्टिविटी के ना तो हम अफगानिस्तान को रिबिल्ड कर सकते हैं, ना सेंट्रल एशिया में डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का परमाउंट इम्पोर्टेंस है। तो इंडिया ने कहा कि कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इंडिया ने कुछ काम भी किया है, जैसे अफगानिस्तान में इंडिया ने जारांज दिलाराम रोड लिंक बना दिया है, और फिर इंडिया जारांज दिलाराम रोड लिंक को चबहार जाहेदान रेल लिंक से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ईरान से बातचीत चल रही है चबहार जाहेदान रेल लिंक बनाने की, और ये भी बन जाएगा तो फिर इस तरह से चबहार जाहेदान रेलवे लिंक से जारांज दिलाराम रोड लिंक कनेक्ट हो जाएगी, तो फिर इस तरह से अफगानिस्तान तक हम पहुंच जाएंगे आराम से। फिर इंडिया ने कहा कि जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे, तो इसी लिंक को आगे बढ़ाकर पूरे सेंट्रल से फैलाने की ज़रूरत है। तो ये था आउटकम में। और फिर उन्होंने कहा कि जो 2020 की सेकेंड इंडिया सेंट्रल एशिया बातचीत होगी, वो भारत होस्ट करे, और भारत को ये होस्टिंग मिल गया है। इस तरह से 2020 का सेकेंड इंडिया सेंट्रल एशिया बात भारत में होगी 2020 में। टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 2 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड मिला है, जिसका नाम है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। इसका नाम फिलिप कोटलर अवार्ड भी चल रहा है और फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी चल रहा है, तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो एक ही बात है। यह पहला अवार्ड है, अभी शुरू हुआ है ये, और ये फिलिप कोटलर के नाम पे शुरू हुआ है। फिलिप कोटलर अमेरिका के वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर हैं, उनके नाम पर यह अवार्ड शुरू किया गया है, और यह अवार्ड हर साल दूसरे देश के लोगों को दी जाएगी। तो इसमें नरेंद्र मोदी को पहली बार सिलेक्ट किया गया है, और बताया गया है कि यह अवार्ड उनको आउटस्टैंडिंग लीडरशिप फॉर द नेशन के लिए दिया जा रहा है, मतलब राष्ट्र को आउटस्टैंडिंग तरीके से लीडरशिप दिया है इन्होंने, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है 2019 का। इसमें अवार्ड के बारे में कहा कि अवार्ड फोकस करती है ट्रिपल बॉटम लाइन पे। अब ट्रिपल बॉटम लाइन में कहा गया है, ट्रिपल बॉटम लाइन में कहा गया है इसमें कि इसमें पीपल प्रॉफिट एंड प्लैनेट आता है, और पीपल प्रॉफिट और प्लैनेट एक टर्म है, ये अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क है, अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क है। इसमें देखा जाता है कि जो भी एंटिटी, जो भी इंडिविजुअल अकाउंटिंग से कनेक्टेड, मतलब जो भी कंपनी कुछ भी एक्टिविटी करती है, तो उसका पर्पस
सोशल एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल और फाइनेंस पे कितना पड़ता है? क्या वो समाज में समाज का कल्याण देख रहा है? क्या एनवायरनमेंट कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा है? क्या क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है? तो इस तरह से मतलब एक किसी कंपनी की किसी आदमी की अच्छाई को नापने का तरीका है। अगर यह होता है तो वह बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कहा गया है कि यह ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है किसी को इवेल्युएट करने का। दिस दैट इज ट्रिपल बॉटम लाइन। तो ट्रिपल बॉटम लाइन फोकस करता है यह अवार्ड। फिर थर्ड नंबर टॉपिक है, हम बहुत ही न्यूज में रहा ये रिगार्डिंग रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ जनरल कैटेगरी। तो यह इफेक्टिव हो गया है 14 जनवरी से, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह इफेक्टिव हो गया है। और इसमें ये भी कहा गया कि ये रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में मिलेगा। तो एजुकेशन के लिए कहा गया है कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल्स होंगे वहाँ पे 10% रिजर्वेशन की सीट्स अवेलेबल मिलेंगे। फिर एक बात और बताई गई है, कहा गया है कि गुजरात पहला राज्य है जिसने 10% रिजर्वेशन को अप्लीकेबल कर देगा 15 तारीख से। तो 10% रिजर्वेशन को अप्लीकेबल करने वाला पहला राज्य हो गया गुजरात। आते हैं फोर्थ नंबर टॉपिक पे। फोर्थ नंबर टॉपिक है क्लाउड सीडिंग के बारे में। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कृत्रिम वर्षा। मामला ये है कि यह बात अभी चल रही है थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रदूषण इतना फैल गया है कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्रीन पीस एक एजेंसी है जो इन्वायरमेंट की देखभाल करती है, उसने भी कहा है कि बैंकॉक अभी दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर नंबर 10 है। तो फिर वहाँ के लोग भी काफ़ी असंतुष्ट हैं, सोशल मीडिया भी बस हल्ला मचा रखी है ये प्रदूषण प्रदूषण का। तो सरकार अब इस ऑप्शन पे विचार कर रही है कि वहाँ पे क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा कराई जाए, और इसलिए कृत्रिम वर्षा थाईलैंड के बैंकॉक में होगी। हो सकता है 15 को हो जाए, चाहे 15 के बाद हो जाए, डिपेंड करता है सुटेबल कंडीशन जो मिलेगा तब वो करेंगे वो लोग। व्हाट इज क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा क्या होती है? इसमें क्या करते हैं, जाकर बादलों के बीच केमिकल को स्प्रेड करते हैं, छिड़कते हैं, और उस केमिकल प्रभाव से बादल संघनित होते हैं, कंडेंस होते हैं, और फिर संघनित होकर वर्षा कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। जो केमिकल छिड़कते हैं उसका नाम है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड की जगह पर ड्राई आइस भी हो सकता है। सोडियम आयोडाइड या ड्राई आइस, इनका प्रयोग करते हैं, और फिर इस तरह से जो वेदर होता है उस वेदर को मॉडिफाई कर लेते हैं और हम अपनी मर्जी से वर्षा करा लेते हैं। इसे बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, हिंदी में कृत्रिम वर्षा। 5 नंबर टॉपिक है मकर संक्रांति पे। 14 को मकर संक्रांति थी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबने बधाइयाँ दी इसके बारे में। जो बताने लायक पॉइंट्स थे इसमें ये मुझे मिला कि विभिन्न राज्यों में इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो लिख दिया हमने कि किस राज्य में कैसे बोलते हैं। इसमें कहा गया है कि इस मकर संक्रांति एक तो फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कहा गया गुजरात में इसका नाम है उत्तरायण, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ काइट्स भी कहते हैं क्योंकि काइट्स काफ़ी फ्लाई करते हैं इस वक्त। फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका नाम है मकर संक्रांति। वेस्ट बंगाल में नाम है पौष संक्रांति। असम में नाम है उरुका। उरुका 14 को थी, 15 से वहाँ पे माघ या भोगाली बिहू शुरू हो जाएगा। तमिलनाडु में नाम है इसका पोंगल। तो इस तरह मकर संक्रांति का देश के विभिन्न भाग में जो नाम है उसको टॉपिक नंबर 5 बनाया था। टॉपिक 6 है ड्रग डिमांड रिडक्शन पे एक्शन प्लान बनाया गया है। राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनाया गया है ड्रग डिमांड रिडक्शन करने के लिए, मतलब कि ड्रग के डिमांड को कम करने के लिए, या यूँ कहिए ड्रग एब्यूज को ख़त्म करने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। कौन बना सकता है इसे? इसे बनाया है सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, उसने यह एक्शन प्लान बनाया है। यह प्लान 5 साल का है, 2019 से लेकर 2023 तक लागू रहेगी। इसमें क्या करेंगे कि जो ड्रग एब्यूज की समस्या है, ड्रग एंड सब्सटेंस एब्यूज की समस्या है, इस समस्या को के निदान के लिए मल्टी प्रोंग अनेक तरह की रणनीतियाँ बनाई जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे देखा आपने ड्रग एंड सब्सटेंस एब्यूज लिखा है। ड्रग एब्यूज तो आप समझते हैं, सब्सटेंस मतलब ऐसे पदार्थ जो ड्रग का काम करते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ है एक निर्धारित मात्रा में लेना, अगर अधिक मात्रा में ले ली तो ड्रग जैसा हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं सब्सटेंस। तो ड्रग और ड्रग एंड सब्सटेंस एब्यूज, इसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मल्टीप्रोंग अनेक तरह के उपाय रणनीतियाँ बनाई जाएगी इस एक्शन प्लान के तहत। रणनीतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, इसमें लिखा गया है कि एजुकेशन एजुकेशन फिर डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन, मतलब हम सबको एजुकेट करेंगे कि ड्रग एब्यूज कितना ख़राब है, अगर कोई ड्रग एब्यूज है तो उसे रिहेबिलिटेट करेंगे, डी एडिकेट करेंगे उसको, ताकि वो लत छूट जाए। और फिर इसमें कहा गया कि जो भी एजेंसियाँ हैं जो ड्रग एंड सब्सटेंस एब्यूज से कनेक्टेड हैं, उनसे टाई अप किया जाएगा, उनसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ताकि जो सिडेटिव्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स होते हैं, वो सारे के सारे पे लगाम लग सके। सिडेटिव होता है, इसको ले लेने पे नींद आ जाती है। पेन किलर्स आप समझते हैं, मसल रिलैक्सेंट होता है, ये भी आराम शांति पाने की का एक ड्रग के लिए होता है। तो इस तरह के काफ़ी तरह के ड्रग्स होते हैं। फिर ऑनलाइन सेल भी बंद करना है ड्रग्स का, ये भी एक स्ट्रेटजी में आ रही है। बताया गया है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं उन्हें भी इंगेज करेंगे, उनसे भी बुलवाएंगे कि भाई ये बुरा है। ये भी बताया गया है कि अवेयरनेस फैलाएंगे हम मीडिया के थ्रू। मीडिया का चार माध्यम लिखा हुआ है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया। तो इन चारों माध्यम से अवेयरनेस भी फैलाएंगे। और ये भी कहा गया है कि ड्रग प्रिवेंशन जो हेल्पलाइन है उसे और मजबूत करेंगे। अगर कोई वहाँ पे ड्रग प्रिवेंशन के बारे में पूछ रहा है तो उसको सारी जानकारी तुरंत अवेलेबल हो, इसकी व्यवस्था करेंगे। यह है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। यह प्लान बनाने का कारण आ गया, एक्शन प्लान लॉन्च करने का कारण आ गया, बिकॉज ड्राफ्ट नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी बनाया रहा था ये मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी बना रहा था, लेकिन बार बार इस पॉलिसी को विड्रॉ करना पड़ रहा है, तो इसलिए इन्होंने यह एक्शन प्लान प्लान को ही लॉन्च कर दिया है। 7 नंबर है होलसेल इन्फ्लेशन का, जिसे बोलते हैं WPI, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। बताया गया है कि दिसंबर महीने में यह कम होकर 3.80% हो गई है, नवंबर में यह 4.64% थी। हम बात कर रहे हैं WPI का, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का। फ्रेंड्स, होलसेल इन्फ्लेशन दो बेस पे होता है, एक होता है WPI, एक होता है CPI। CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अभी डाटा जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो इन्फ्लेशन की डाटा होती है CPI की, वो इम्पोर्टेंट होती है RBI के लिए, बिकॉज RBI पॉलिसी फ्रेम करता है CPI के बेस पे। तो ये ध्यान रखना है कि RBI जो पॉलिसी फ्रेम करेगा, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से बात करेगा। तो हम पढ़ रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स टॉपिक को, इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा हमने देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि CPI का क्या महत्व है। CPI का महत्व यह है कि RBI पॉलिसी फ्रेम करता है। फिर हमने यहाँ पे कंपेरिजन लिखा है WPI और CPI में, ताकि दोनों समझ में आ सके। WPI का मतलब है कि वैल्यू में एवरेज चेंज, जो कमोडिटी है उसकी वैल्यू में एवरेज चेंज होलसेल लेवल पे, मतलब होलसेल खरीदते हैं तो वहाँ पे वैल्यू में चेंज होता है, घटता बढ़ता है, तो उसे बोलते हैं WPI कहते हैं। WPI को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। और WPI में खाली गुड्स का होता है, केवल गुड्स की बात होती है, लेकिन CPI का कहा गया कि CPI में वैल्यू चेंज होता है रिटेल लेवल पर, खुदरा स्तर पे होता है उसका वैल्यू चेंज। आप CPI समझ रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल प्राइस इंडेक्स। पब्लिश इसको करता है WPI को CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको जारी करता है। और CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं। तो इस तरह से अंतर एक और देखते हैं, WPI को जारी कौन करता है और CPI को जारी कौन करता है। WPI को जारी करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और CPI को जारी करता है CSO। WPI में गुड्स केवल होते हैं, लेकिन CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं। तो यह टॉपिक नंबर 7 था। टॉपिक नंबर 8 है
जगदीप गोविंद को सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। सेक्रेटरी जनरल मतलब महासचिव, इनको NHRC का महासचिव बना दिया गया है। कौन बनाया है? इसमें रोल होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, वो बनाता है। फिर ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है क्या? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जिसका काम होता है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन राइट का प्रमोशन करना। मतलब किसी का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, किसी का वायलेशन भी हुआ है तो उसका उसके लिए एक्शन प्रॉपर एक्शन लिया जाए, ये इंश्योर करवाती है। इसका चेयरमैन है जस्टिस HL दत्तू, और सेक्रेटरी जनरल तो अभी अपॉइंट हुए तो लिख दिया गया है, ये हैं जगदीप गोविंद। और यह एक स्टेचुटरी बॉडी है और इसे 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस 1993 के तहत। 9th नंबर टॉपिक है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, इसे शॉर्ट में बोलेंगे GHTC इंडिया। GHTC इंडिया को लॉन्च किया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी ने, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है 14 जनवरी को। इसका उद्देश्य है, इसके टॉपिक में ही दिख रहा है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, मतलब हाउसिंग टेक्नोलॉजी का को लाना है, ऐसा हाउसिंग टेक्नोलॉजी लाना है जो इंडिया के लिए वायबल हो, इंडिया के लिए सस्टेनेबल हो और कम खर्च में अच्छा हो। तो एम बता दिया गया है कि टू सोर्स लाना है टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी दुनिया से, पूरे दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी है वहाँ से ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आनी है और उसकी पहचान करनी है जो इंडिया के लिए सस्टेनेबल हो, एडॉप्शन के लिए मतलब अपनाने लायक हो, कम खर्च लगे, इको फ्रेंडली रहे, ये सब इस तरह की टेक्नोलॉजी लानी है। इसीलिए चैलेंज लॉन्च किया गया जिसका नाम है GHTC इंडिया, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इंडिया। 10 नंबर टॉपिक है, एक इंफॉर्मेशन के लिए है 10 नंबर टॉपिक। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ रुपये फार्म लोन वेवर विंग जब हो रहा था, किसानों का कर्ज जब माफ़ हो रहा था, उसमें 12,000 करोड़ रुपये इसने बचा लिए थे। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जितना एस्टिमेट किया था उतना से 12,000 रुपये कम देने पड़े। हुआ क्या? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी बोगस क्लेमेंट्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनको उनका रिकॉर्ड वहाँ नहीं था, उनको दिया नहीं गया। इस तरह से बच गया 12,000 करोड़ रुपये। तो बताया गया है कि डिजिटल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है। तो यह था टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 11 है US और टर्की के बीच अभी तानातनी चल रही है उसके बारे में है। आपको पता है सीरिया में US की फौज है, टर्की भी वहाँ पे इंटरफेयर करता है। और तो अभी 13 दिसंबर को US प्रेसिडेंट ने घोषणा करी थी कि सीरिया से जो फौज है उसे हम वापस बुलाएंगे, और इसकी कवायद भी शुरू हो गई है, वहाँ से जो इक्विपमेंट्स हैं उसे रिमूव किया जाना शुरू हो गया है। पहले डिस्कशन में मैंने बता दिया था इस बारे में, लेकिन अब US ने सीरिया को वार्न किया है कि अगर कुर्द्स पे, सीरिया में कुर्द्स लड़ाके हैं जिसे US सपोर्ट करता है और जिसे टर्की सपोर्ट नहीं करता है, तो जो कुर्द लड़ाके हैं उस पर अगर टर्की हमला किया तो हम टर्की को आर्थिक रूप से बहुत क्षति पहुंचाएंगे। तो टर्की ने कहा, उसके बाद कहा है कि हम तो जो मिलिटेंट्स हैं उन पे हमला करते हैं, चाहे वो कुर्द हों या कोई IS वाले हों। तो इस तरह से कह दिया है एक तरह से वहाँ के प्रेसिडेंट, टर्की के प्रेसिडेंट जिनका नाम है रेसेप तायिप एर्डोगन, रेसेप तायिप एर्डोगन ने कह दिया है कि हम अगर मिलिट्रिया हैं, अगर वो आतंकवादी हैं तो हम उन्हें मारेंगे। US ने कहा है नहीं मारना है, इन्होंने कहा है मारेंगे। तो ये फेस टू फेस दोनों चल रहे हैं। तो इस तरह से ये न्यूज़ था। 12th नंबर बुलेट ट्रेन के बारे में है। बुलेट ट्रेन का काम स्टार्ट होगा मानसून के बाद, जो आने वाली मानसून है उसके बाद काम स्टार्ट होगा। इसका कारण है कि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम हुआ है, लैंड एक्विजिशन कर लेना था दिसंबर 18 तक ही, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर नहीं पाई है लैंड एक्विजिशन, तो इसलिए इसका काम मानसून के बाद शुरू होगा। लेकिन इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि बुलेट ट्रेन चलेगी
मुंबई टू अहमदाबाद चलेगी, पूरा डिस्टेंस तय करेगी, वो होगा 508 किलोमीटर और स्पीड होगी उसकी 350 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहा गया है कि बुलेटिन 2023 में चलने वाली थी, लेकिन उस डेडलाइन को 1 साल एडवांस किया गया, कम किया गया, और वह चलेगी, शुरू हो जाएगी 15 अगस्त 2022 से ही, क्योंकि स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे शुरू करने का प्लान बना दिया गया बाद में, तो 1 साल इसको एडवांस कर दिया गया है। फिर कहा गया है कि जो ट्रायल होगा, ट्रायल रन होगा, वह होगा 50 किलोमीटर के स्टेज पे, वह होगा बिलीमोरा से सूरत के बीच, नाम याद रखना है, बिलीमोरा से सूरत के बीच ये 50 किलोमीटर की दूरी होगी, यहाँ पे ट्रायल होगा और यह 15 अगस्त 2022 से पहले हो जाएगा। फिर कहा गया है कि ये जो बुलेट ट्रेन का जितना प्रोजेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा है, उसे हैंडल कर रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, NHSRC, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसका, बुलेट ट्रेन का, बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर का। 13th नंबर आते हैं, इंडिया टू ग्रो क्रॉप्स फॉर UAE एंड सऊदी अरेबिया। इसमें कहा है सुरेश प्रभु ने कहा है कि सऊदी अरब और UAE से बातचीत हो गई है, वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो फूड समस्या है, फूड इनसिक्योरिटी की समस्या है, वो समस्या इंडिया की हेल्प से दूर कर ली जाए। तो उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग कर लेंगे, या आप अपने यहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग कराइए, लेकिन उस वहाँ पे उसी चीज़ की फार्मिंग कराइए जो जिसकी हमें ज़रूरत है, जो आपके यहाँ होता है और साथ में जो हमें ज़रूरत है उसी की आप फार्मिंग कराइए। तो सुरेश प्रभु ने कहा है यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप बनेगा, कॉर्पोरेट फार्मिंग होगा इसमें, और इसका उन्होंने नाम दिया इस प्रोजेक्ट का, उन्होंने कहा है यह प्रोजेक्ट होगा फार्म टू पोर्ट प्रोजेक्ट। फार्म टू पोर्ट प्रोजेक्ट का मतलब है खेत से सीधा बस बंदरगाह तक पहुंचा देना है, मतलब जो भी फार्म प्रोडक्ट पैदा होगा वो उसका व्यापार होगा। तो इस तरह से किसान की आय बढ़ जाएगी, कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कृषि की वृद्धि होगी, तो इसके बहुत से फायदे दिख रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया है कि UAE, सऊदी अरबी और इंडिया सब सहमत हो चुके हैं और फार्म टू पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू ही होने वाला है। इसमें जो फार्म्स होंगे वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे और फार्मिंग उसी चीज़ की होगी जिसकी UAE और सऊदी अरबिया बोलेंगे, बट यहाँ का क्लाइमेट के अनुसार ही फार्मिंग होगी। 14th नंबर और लास्ट टॉपिक है, इसमें है कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जब 32nd GST काउंसिल की मीटिंग के आउटकम्स की चर्चा कर रहे थे हम, तो वहाँ पे बताया गया था कि कंपोजिशन स्कीम होता है। कंपोजिशन स्कीम ऐसा होता है जिसमें जो आउटकम आया है उसी की बात कर लेते हैं। उसमें कहा गया है कि जिस डीलर की एनुअल रिवेन्यू उसकी 1.5 करोड़ होगी, करोड़ होगी, वो कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ तक होगी, वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है, और अगर वो ऑप्ट करता है तो उसे केवल 1% GST देना पड़ता है। अगर ऑप्ट नहीं करेगा तो GST का स्लैब जो है उसके तहत उसे GST भरना पड़ता है, 5%, 12%, 18%, 28%, जो भी स्लैब्स हैं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्ट कर लेता है, एक्चुअली इनको बढ़ावा देने के लिए किया गया है, पहले 1 करोड़ था और 1 अप्रैल से, मतलब अभी चल रहा है 1 करोड़ का, 1 अप्रैल 2019 से यह 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो अब मामला ये है कि ये ऑप्ट करने वाले कंपोजिशन स्कीम वाले डीलर को GST नहीं लेना है, इनको जितना इनकम होगा उस पर केवल 1% GST देना है, जितना इनकम नहीं होगा, जिनका जितना इनका इनकम नहीं होगा, एक मिनट बता देता हूँ, परचेज GST रजिस्ट्रेशन, जितना एनुअल रिवेन्यू होगा, टर्न होगा, टर्न ओवर होगा, रिवेन्यू नहीं, जितना एनुअल टर्न ओवर होगा उस पर 1% इनको GST देना है। बट ये क्या करते हैं, जो जो GST ऑप्ट नहीं किए हैं और उन डीलर का रेट लगाते हैं GST, उन डीलर के रेट से GST ले लेते हैं और GST जमा नहीं करते, तो इनको परमिशन ही नहीं है GST लेने का, जो कंपोजिशन स्कीम के तहत है उनको GST लेना नहीं है, तो इस बात की पता नहीं है। तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस पे काम करने का प्लान किया है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट कहा है कि दो तरह से काम होगा, एक तो जनता को जागरूक करेंगे और दूसरे डीलर पे लगाम लगाएंगे। जनता को जागरूक करने के लिए तरीके तो यही है, कंपेन लॉन्च करेंगे,
और इनके लिए कहा है कि इनके लिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का इनवॉइस होगा उसी पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही इनका स्टेटस लिखा रहेगा। अगर कंपोजिशन स्कीम वाले हैं तो कंपोजिशन वहाँ लिखा रहेगा, तो जनता को बता देगा कि अगर कंपोजिशन स्कीम वाले से आप खरीद रहे हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना है, वो जीएसटी क्लेम नहीं करेगा, तो सामान विदाउट टैक्स मिलेगा। तो इस तरह से यह टॉपिक नंबर 14 था, इसमें कहा गया था कि डीलर्स ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम आर नॉट परमिटेड टू चार्ज जीएसटी फ्रॉम द परचेजर्स, मतलब कंपोजिशन स्कीम वाले डीलर्स को जीएसटी नहीं चार्ज करना है, इसके लिए जनता को भी जागरूक करना है और डीलर्स को पर भी लगाम लगाने के तरीके की शुरुआत करनी है। इसकी शुरुआत करेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।